तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो टाइटल थंबनेल में देखा ही होगा, हम जो है इस बोर्ड के साथ में, यानी कि जो है TSBT003 ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड है, जो कि दोस्तों इसके साथ में इनबिल्ट एम्पलीफायर यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों इसके साथ में हम जो है 584-03 ऑडियो बोर्ड लगाने वाले हैं। तो दोस्तों इसका जो है मैं वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बता दूंगा। तो दोस्तों वीडियो बिल्कुल ही स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको पूरी जानकारी देता रहूँगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम जो है इस TSBT003 ब्लूटूथ एम्पलीफायर बोर्ड के साथ में 584-03 हम लगाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैंने जो है TG113 ये जो ब्लूटूथ बोर्ड का जो वायरिंग है, यहाँ पे मैंने देखी दोस्तों इस प्रकार से, इसको भी लगाकर मैंने 584-03 ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड के साथ में इसको मैंने कनेक्ट किया था। अगर दोस्तों आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और साथ ही दोस्तों आपको आपको इसका जो वीडियो है ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों सेम इसी तरीके से जो है हम इस वाले बोर्ड में भी कनेक्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से जो है, यहाँ पर जो है इंटरनल जो देखिए दोस्तों, इनबिल्ट यहाँ पर ऑडियो IC यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि दोस्तों ये जो है यहाँ से जो ऑडियो, यहाँ से आउटपुट जो निकलेगा उसको सिग्नल बढ़ाता है और उसको जो एम्पलीफाई करता है। तो दोस्तों इन दो IC से जो है हमारा ऑडियो आउटपुट निकल कर इस सॉकेट में यहाँ पर आ जाता है, जो कि हमारे स्पीकर यहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट स्पीकर तो लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम किसी और अगर एम्पलीफायर बोर्ड के साथ में इसको अटैच करना हो, तो इसका कनेक्शन के लिए जो दोस्तों यहाँ पर कोई यहाँ पर पॉइंट्स यहाँ पर या कनेक्शन के कोई भी यहाँ पर जो आउटपुट यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो दोस्तों सिंपल जो है अभी हम इसको जो है यहाँ से कनेक्शन निकालने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था आपको, ये जो IC है दोस्तों, इसका जो ऑडियो इनपुट वाला पिन है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो एक नंबर वाला पिन है ये ऑडियो इनपुट का है, एक एक चैनल का, और दूसरे चैनल का जो दोस्तों यहाँ पर जो है इस तरीके से एक नंबर पिन है हमारा यहाँ पर ऑडियो इनपुट का है। तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर लाइन ट्रेस करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है एक रजिस्टर और यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। और ठीक देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर साइड जो है दो डॉट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा अच्छी तरीके से जूम कर कर दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों जहाँ पर यहाँ पर ये BT लिखा हुआ है, उसके लाइन में आपको यहाँ पर दो पॉइंट्स यहाँ पर, यानी कि दो डॉट्स दिख रहे हैं, देखिए दोस्तों। तो ये जो है इस IC का इस पिन से जो है कनेक्शन इस तरीके से यहाँ पर आ गया है। तो दोस्तों सिंपल जो है हमें इन दो डॉट्स पर जो है हमें एक वायर्स ऑर्डर कर लेना है, जो कि हमारा एक IC का ये जो इनपुट साइट होगा। सेम इसी तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है इस तरीके से इस IC से भी यहाँ पर रजिस्टर और यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। सेम इसी तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पर भी ऊपर डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमें एक वायर यहाँ पर सॉल्डर कर लेना है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर लेफ्ट राइट के हमारे दो वायर निकल आएंगे, और ग्राउंड वाला वायर जो है दोस्तों हम यहाँ से कहीं से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको यहाँ पर दो सॉल्डर लगाकर इसको कनेक्शन निकाल कर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वायर सॉल्डर करने के लिए, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने इस प्रकार से एक 3 वायर वाला कनेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने 584-03 ऑडियो बोर्ड जो है यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसके कनेक्शन कर लिए, जो कि यहाँ पर जो इस तरीके से डायरेक्ट इसमें अटैच हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर इन वायर को सॉल्डर कर लूँगा, आप चाहे तो कोई अदर वायर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने कनेक्शन कर लिया है, और साथ ही देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बैटरी माइनस का यहाँ पर जो कनेक्शन लिखा हुआ है, उस जगह पर मैंने तीसरा वायर जो मिडल वाला वायर होता है ग्राउंड वाला, इसका मैंने यहाँ पर सॉल्डर कर लिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों सारा कुछ जो अभी इसका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है अभी हम इसको जो है हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, और साथ ही यहाँ पर दो स्पीकर लगा लेंगे, और जो है सबसे पहले हम इस वाले बोर्ड का एक बार टेस्टिंग लेंगे, उसके बाद में हम 584-03 ऑडियो बोर्ड भी यहाँ पर इसको लगा कर इसका भी एक बार टेस्टिंग लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने इस प्रकार से जो है 3 इंच के 5 वाट वाले यहाँ पर दो वूफर का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ। और तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको सप्लाई देने के लिए 18650 बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है हम इसको अभी बैटरी कनेक्ट करते हैं।
तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ब्लू लाइट जल चुकी है और साथ ही जो है हमारे स्पीकर भी अभी वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी जो है मैं इसका पावर बटन ऑफ कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद हम 584-03 ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड लेंगे। तो दोस्तों इसका कनेक्शन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा एक स्पीकर कनेक्ट होगा लेफ्ट वाला और यहाँ पर राइट स्पीकर यहाँ पर कनेक्ट होगा। और दोस्तों यहाँ पर हमारा बैटरी से सप्लाई कनेक्ट होगा और ये हमारा ऑडियो इनपुट का सेक्शन होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर जो हमने वायर यहाँ से निकाले हुए थे कनेक्शन के, जो कि हमने इस वाले ब्लूटूथ एम्पलीफायर मॉड्यूल से हमने निकाले हुए, तो दोस्तों इसको जो है सिंपल इस सॉकेट में हम इसको लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने और दो दो स्पीकर यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, जिससे हमारे 584-03 ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड के साथ में कनेक्ट होंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों इसको भी जो ऐसे मैंने आपको बताया था, यहाँ का जो स्पीकर का आउटपुट का सेक्शन है उस जगह पर हम इसको भी कनेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों हमारे स्पीकर भी अभी यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। मैं इन स्पीकर को जो है दोस्तों कुछ इस तरीके से इस साइड में रख लेता हूँ। तो दोस्तों अभी जो है हमें जो यहाँ पर मैंने बैटरी के साथ में और एक यहाँ पर इस तरीके से कनेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी हम इसको सप्लाई दे देते हैं 584-03 ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड के साथ में। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से जो है थोड़ी सी आवाज़ अभी आ चुकी है। तो दोस्तों सारा कुछ अभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो अभी बात हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों अभी मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे ये स्पीकर भी अभी वर्क कर रहे हैं। मैं आपको जो कोई नॉन कॉपीराइट सॉन्ग जो है आपको प्ले कर कर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी हम इसको जो है सॉन्ग प्ले करेंगे। दोस्तों इस तरीके से जो है हम इस ट्रिक का यूज़ कर कर जो है इस वाले बोर्ड के साथ में हम 584-03 ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड यहाँ पर हमने अटैच कर कर दिखाया है। तो दोस्तों इसी तरीके से जो आप कोई भी एम्पलीफायर बोर्ड अदर, जैसा कि आप यहाँ से जो है 4440 या चाहे आप 6283 या कोई भी एम्पलीफायर बोर्ड जो है उसको कनेक्शन देने के लिए इस तरीके से हम इस वाले ब्लूटूथ मॉडल से ऑडियो आउटपुट ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।